दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक ही दिन में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से गिरिडीह में मचा हड़कंप। सदर प्रखंड में 4, बेंगाबाद में 4, डुमरी में 2 और गांवा में मिले 1 मरीज। तमाम प्रभावित गाँव को किया गया सील। संक्रमितों को बददीहा आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। सदर विधायक के नेतृत्व में नगर निगम के सभागार में हुई बैठक। तमाम वार्डों में काम कर रहे 2-2 सफाई कर्मियों में से एक एक को वापस बुलाने का लिया गया फैसला। वार्ड पार्षदों ने जताई आपत्ति। पुलिस के सहयोग से नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुख्य मार्ग से खदेड़े गए फुटपाथी दुकानदार। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कईयों का काटा गया चालान। और न कोई तमगा, न कोई प्रमाण पत्र और न ही शाबासी, फिर भी पूरे कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं बैंक कर्मी। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में सोमवार को एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन रेस हो गया है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने के साथ ही संबंधित इलाके को सील व सैनिटाइज किया जा रहा है। जिले भर में एक दिन में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे पूरे गिरिडीह में हड़कंप मच गया। मरीजों के मिलने से जिले में कुल मरीजों की संख्या 33 हो गई है। वर्तमान की बात करें तो जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 13 हो गई है। जिले में एक संक्रमित की मौत भी हो चुकी है, वहीं अन्य स्वस्थ हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश प्रसाद सिन्हा ने 11 मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी प्रवासी मजदूर हैं, जो कि अन्य प्रदेश से लौटे हैं। पॉजिटिव मरीजों में 4 गिरिडीह सदर प्रखंड के हैं, वहीं 4 बेंगाबाद, 2 डुमरी और 1 गांवा के हैं। सभी को बददीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पॉजिटिव मरीजों के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली जाएगी, वहीं इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने और सैनिटाइज करने की प्रक्रिया की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत तमाम आला अधिकारी प्रभावित गांवों का दौरा किया और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। ऊपर से खोलने कैसे है, जैसे किसी इमरजेंसी है, जा रहा है इलाज के लिए, तो उसको खोलना पड़ेगा। उधर से रास्ता है, गुजर से रास्ता है, हम बोल देते हैं उसको यहाँ आकर कर देगा, क्योंकि 100 मीटर होगा, लेकिन खैर प्राकृतिक रूप से कट हो रहा है। यहाँ पर ड्रॉप गेट रहेगा और यहाँ बैठेगा आदमी, बैठने वाला काम यहाँ कर लेगा, वहीं लगा लेगा। ड्रॉप गेट का मतलब उठाने ये करने वाला अंदर भी मरा लीजिए। कितना दिन में रिपोर्ट आ जाएगा सर? 1 से 2 दिन उम्मीद है। कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, कहीं जाना नहीं, हम लोग तो यहीं से आते हैं। एक से दो दिन में नहीं आएगा, 1-2 सप्ताह लगेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग घर पे ही रहते हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं, कहीं जाना नहीं। गांवा प्रखंड में कोविड का एक केस पॉजिटिव आज मिला है। बिल्कुल थाना के बगल में ही उनका आवास था और जैसे ही इसकी सूचना मिली है तो उन्हें आगे के उपचार के लिए
एएनएमटी बस दिया शिफ्ट करा दिया गया है और जो कंटेनमेंट जोन के सारे प्रोटोकॉल्स हैं उसका यहाँ पे पालन कराया जा रहा है। उसके घर पर पेशेंट को मानते हुए यानी जहाँ तक भी उनका आना जाना हुआ था उस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कराते हुए बैरिकेडिंग करवा दिया गया है और अंदर पूरा सैनिटाइजेशन फ्यूमिगेशन हो चुका है। मेडिकल टीम अपना घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्यवाही प्रारंभ कर चुके हैं। सभी घर में एक एक करके वो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन किसको किस तरह का सिम्टम है कि नहीं है उनकी उनके टेस्टिंग कराई जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी संख्या में प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के सैंपल्स ले लिए गए थे। पूरे क्षेत्र में धारा 144 घोषित कर दिया गया है, कर्फ्यू जारी रहेगा, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा अनुरोध रहेगा इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों से कि सरकार और प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करें, ये उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त उनके उपचार की कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही उनके आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होंगे और उनके जो नेक्स्ट टर्म में लिए गए स्वैब सैंपल्स हैं उनके रिपोर्ट निगेटिव आते हैं तो उन्हें भी रिलीज़ करा दिया जाएगा। देखिए आपका गामा शहर में पहला बार प्रखंड में नया केस मिला है पॉजिटिव, हम लोग आए हैं उसी में, तो इसमें हम लोग को दो चीज़ करना है, तीन चीज़ करना है, क्या करना है उसी के लिए यहाँ के प्रभारी को हम बता के जा रहे हैं और सभी जनता को बता के भी जाएंगे क्या करना है। कंटेनमेंट एरिया बनाना है हमको जो नियरेस्ट उसके 10 घर इधर 10 घर उधर, जो कि उस घर के आदमी ना बाहर चाहे ना अंदर है, वो लोग अपने घर में रहें 14 दिन। 144 धारा लगा दिया जाएगा, सैनिटाइजेशन कर दिया जाएगा पूरे एरिया को और कोई नहीं निकले एक दूसरे में, ताकि और किसी को फैला है जो क्लोज कांटेक्ट में होंगे उसका भी स्वाब लेके जा रहे हैं, जिससे सबसे हाई रिस्क में उनके परिवार लोग होते हैं उसका स्वाब ले लिया गया है। और सुनते हैं कि क्रिकेट विकेट भी खेला था, तो क्रिकेट का टीम वाले का भी नाम हम लोग नोट किए हैं, सबको एक जगह साथ लेंगे और लोग अपने से भी कर रहा है कि हम लोग जाँच कर दीजिए, हम लोग ले लेंगे लो रिस्क में। अगर वो लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे या पंचायत भवन में रहेंगे जहाँ भी जाएंगे, उन लोग को क्वारंटाइन सेंटर हम नहीं करेंगे, होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहेंगे, जब निकलेगा तो फिर उन लोग को देखेंगे। और ऐसे भी इसका 14 दिन हो गया है, उम्मीद है कि ये पॉजिटिव से निगेटिव में भी चेंज हो गया होगा, तो 2-3 रोज़ के बाद इसका फिर से री हम स्वाब भेजेंगे, अगर निगेटिव आएगा तो फिर उसको घर वापस भेज देंगे हम। लेकिन ये 14 दिन कंटेनमेंट एरिया बना रहेगा, 14 दिन तक मेंटेन करना पड़ेगा। हाल ही में महानगरों से लौटे गिरिडीह सदर प्रखंड के 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोमवार को धनबाद से आई रिपोर्ट में सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गिरिडीह सदर प्रखंड में भी सोमवार को 4 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। धनबाद से रिपोर्ट आने के बाद यहां हड़कंप मच गया, तुरंत ही प्रशासन हरकत में आ गई और लाव लश्कर के साथ प्रभावित इलाकों को सील किया गया। साथ ही संक्रमित व्यक्तियों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। बताया गया कि 2 संक्रमित मुफस्सिल क्षेत्र गपई गांव के हैं, एक बनियाडी और एक झरियागादी गांव का है। रिपोर्ट मिलते ही सदर बीडीओ गौतम कुमार भगत के नेतृत्व में टीम गठित कर संबंधित गांव को सील किया गया, साथ ही यहां धारा 144 लगा दी गई। बताया गया कि तमाम संक्रमित लोग प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में महानगरों से लौटे हैं। बताया गया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। वहीं आसपास मेडिकल स्टोर और राशन दुकान को छोड़कर तमाम दुकानें भी बंद करा दी गई है। कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में दहशत है। वहीं प्रशासन वे तमाम तरह के एहतियाती कदम उठा रही है। आवश्यक सूचना अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश के आलोक में झरियागादी गिरिडीह के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि झरियागादी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस कारण झरियागादी को सील किया जाता है एवं झरियागादी में धारा 144 लागू किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों पर रहे, यहाँ वहाँ नहीं घूमे, एक जगह पर 4 व्यक्ति से अधिक का मजमा नहीं लगाए। राशन दुकान और मेडिकल दुकान को छोड़कर सभी दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अत्यंत आवश्यक कार्य पड़ने पर ही लोग बाहर जाएंगे। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे।
आज गिरिडीह प्रखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजने की प्रक्रिया जारी है। अभी हम लोग बरमोरिया पंचायत के गप्पई से 2 कोरोना पॉजिटिव को एनएम ट्रेनिंग सेंटर में भेजे, उसके बाद एक बनियाडी से एक मरीज को हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में भेजे, और एक अभी झरिया गादी से एक मरीज को हम लोग एनएम ट्रेनिंग सेंटर में भेज रहे हैं। अभी 4 मरीज जो विभिन्न जगहों से आए हैं। तीन वार्ड नंबर का, वार्ड नंबर 24 का जो 28 वार्ड नंबर 28 के ये हैं, और ये झरिया गादी में पड़ता है। और उनके जो झरिया गादी में उनके घर में कितने और सदस्य संपर्क में थे? ये घर झरिया गादी में उनके 6 घर के सदस्य संपर्क में थे, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया है। क्वारंटाइन। और आगे क्या निर्देश दिया गया सर? और अभी निर्देश दिया गया है कि अभी जब तक कोई रिजल्ट नहीं आए तब तक आप लोग को उनका भी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, स्वाब टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद निर्णय लिया। इस गांव को सील कर दिया गया? कुछ ट्रैवल हिस्ट्री भी है क्या सर? ट्रैवल हिस्ट्री है, ये दिल्ली में काम करते थे और दिल्ली में से ये बकायदा सरकारी सहायता से ये आपको यहाँ हटिया आया, और हटिया से ये रांची, रांची से ये गिरिडीह आया। इस इलाके को सील कर दिया गया? ये झरिया गादी इलाके को अभी हम लोग सील करने का कार्रवाई कर रहे हैं, और ये सील रहेगा अभी वर्तमान। स्थानीय लोगों से अपील क्या रहेगा सर? स्थानीय लोगों से अपील है कि ये हमारे एरिया को सील किया जा रहा है, इसमें हम अपील करेंगे कि ये इनका सहयोग मिले, और यहाँ सिर्फ मेडिकल और राशन का दुकान खुला रहेगा, बाकी सभी दुकानें बंद करने का आदेश दे दी गई हैं, धारा 144 लागू कर दी गई हैं, और बोला गया है कि लोग एक जगह पे 4 से अधिक नहीं हो, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नगर निगम और टाउन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से सोमवार को शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे फुटपाथ दुकानदारों को खदेड़ा गया, वहीं बेतरतीब ढंग से लगे वाहनों को भी हटाया गया। नगर निगम और टाउन थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से सोमवार को शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे लगे तमाम फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया, वहीं बेतरकीब ढंग से लगे वाहनों को भी हटाया गया। बताया गया कि नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़कें संकीर्ण ना हो और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, लेकिन फुटपाथी दुकानदार मना करने के बावजूद भी दुकान लगा दे रहे हैं। ऐसे में बाध्य होकर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई वाहन चालकों से चालान काटकर फाइन भी वसूला गया। यह अभियान सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें नगर पुलिस भी शामिल रही। 50 एकड़ के क्षेत्र में जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के पहले से जो है सो अतिक्रमण मुक्त हम लोग सड़क रखना चाह रहे हैं ताकि आवागमन सुगम रहे। इसके लिए जो है सो पूर्व में डीसी सर और हमारे नगर आयुक्त, तत्कालीन नगर आयुक्त जो अनिल सर थे, उन्होंने हमें आदेश दिया था, और हम इसके ऊपर में लगभग समझाने में जनता को सफल हो चुके थे और ठेला वालों को, मगर लॉकडाउन के बाद फिर जो है सो लोग अपने रोजगार के लिए सड़क पर तुरंत उतर गए, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना एकदम नगण्य रहा, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है अभी प्रेजेंट स्थिति में जो है हमारे गिरिडीह का, क्योंकि कल तक गिरिडीह में जहां तक एक्टिव केस 0 थे, आज अचानक से बढ़ गए हैं।
तो इसके लिए हम लोगों को खुद जागरूक रहना पड़ेगा। और इस वजह से जो है सो हमारी जो अभी फिलहाल नगर आयुक्त मैम ने ज्वाइन किया है, SDM मैडम ने, पेना दीक्षित मैडम ने, उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। चूँकि सदर हॉस्पिटल यहाँ पर है तो जो भी एम्बुलेंस पूरे जिले का आता है जाता है उसके आवागमन में सुगमता रहे, कोई अवरोध नहीं रहे, ताकि किसी की जान माल को नुकसान नहीं पहुंच सके। इसके लिए जो है सो झारखंड आजीविका मिशन के तहत में फुटपाथ लोगों के लिए, जो फुटपाथ विक्रेताओं के लिए जो कानून है उसका पालन करवाया जाए, और जो मुख्य सड़कें हैं गिरिडीह नगर निगम में उनको अतिक्रमण मुक्त रखा जाए नियम कानून के दायरे में। इसके तहत जो है सो हम लोग 3 दिन से चला रहे हैं। आज भी जो है सो हम लोग टावर चौक से कालीबाड़ी चौक गए, कालीबाड़ी चौक से हम लोग आगे जो चौक है पदम चौक तक गए, पदम चौक से लौट कर फिर हम लोग मगतपुर चौक गए, मगतपुर चौक होते हुए DDC ऑफिस होते हुए हम लोग फिर जो है सो टावर चौक तक आए हैं। इसमें 2-3 ठेला जब्त किया गया है, और ये धृष्टता है पथ विक्रेताओं को कि जबकि ठेला भी लेकर वो भाग गए ऑफिस से, फिर उनको जाकर दौड़कर जो है सो मेरे द्वारा पकड़ा गया, आप लोगों ने देखा है ना। अभी तक तो उन लोगों को सिर्फ हिदायत और चेतावनी दी जा रही है, मैक्सिमम पेमेंट पेनल्टी इसमें जो है इन लोगों को दंड 5,000 रुपये का है निर्धारित है झारखंड म्यूनसिपल एक्ट 2011 में। परंतु अभी फिलहाल चूँकि लॉकडाउन में सब लोगों को रोजगार का प्रॉब्लम था, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1,000 से 1,500 रुपया पेनल्टी लेके इन लोगों को सामान छोड़ दिया जाए चेतावनी देकर। अगर फिर भी ये नहीं मानेंगे तो ये क्लियर है कि आगे चल के CRPC या IPC की जो धारा है 133 और 268 जिसके तहत इनके ऊपर FIR किया जाएगा, और इनको जो है सो हर जाना के साथ साथ जेल भी भुगतना पड़ेगा। फुटपाथी और मोटरसाइकिल दुकान, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ एक और हम ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारे शहर के वासी हैं वो फुट जो दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन भी लेके आते हैं, तो हमारी SDO मैडम का एकदम इसके ऊपर सख्त हिदायत है कि जब हम लोग किसी भी तरह का जो पार्किंग शुल्क नहीं ले रहे हैं तो लोग गाड़ी को पार्किंग में लगा के अपना काम करें। 2 मिनट या 2 सेकंड में कुछ नहीं आता है पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने से, ताकि हमको जो है सो शहर अपना सुव्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे। डॉक्टर्स के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में रहना पड़ रहा है तो वह बैंक कर्मी है। कोरोना के खतरे से लड़ते हुए पूरे लॉकडाउन के दरमियान यह बैंक कर्मी देश की सेवा में लगातार सैकड़ों की भीड़ में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगे हुए हैं। आइए देखिए सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। न कहीं जिक्र, न कोई प्रशस्ति पत्र और न ही कोई हौसला अफजाई, फिर भी पूरे देशव्यापी लॉकडाउन के दरमियान जहां पुलिस कर्मी, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी, आर्मी आदि सभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी कर्तव्यों के कारण सराहे जा रहे थे, वहीं एक ऐसा प्रोफेशन भी था जो अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक निभा रहा था। हम बात कर रहे हैं बैंकर्स की। वो बैंकर्स जो अपनी ड्यूटी के दरमियान कोरोना के खौफ को भूलकर प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ के बीच अपनी सेवा दे रहे थे। हालांकि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की तैयारी शुरू हो चुकी है, मगर कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के इस दौर में बैंक कर्मियों द्वारा दी जा रही सेवाओं को कभी खारिज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा वक्त है जब कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमें बैंक कर्मियों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है, ऐसे में यही बैंक कर्मी तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा लोगों के आर्थिक उद्धार का काम कर रहे हैं। कुछ बैंक कर्मी भी सेवा देते हुए कोरोना की चपेट में आ गए, लेकिन बावजूद इसके बैंकों को बंद नहीं किया जा सकता। जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 500 रुपए भेजे जाने पर रुपए निकासी करने वालों की लंबी कतार लग गई थी, तब भी वे पूरी ईमानदारी के साथ खुद की बिना परवाह किए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आज तकरीबन हर बैंक में रोज सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, इनमें से ज्यादा संख्या गरीब और अनपढ़ तबके के लोगों की है जिन्हें 500 रुपए की निकासी करनी है। अब इन लोगों को उनके खाते का बैलेंस बताना है, फिर फॉर्म स्लिप भरवा कर पेमेंट भी करना है। जो भी ग्राहक बैंकों में जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि वह संक्रमित है या नहीं, फिर भी हर तरह का खतरा उठाते हुए बैंक कर्मी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। पुलिस, सेना, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और दूध, अखबार आदि पहुंचाने वाले लोग सबकी निगाहों में आदर का भाव प्राप्त कर रहे हैं, और यह अच्छा भी है और उचित भी। इतने अभावों में भी ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार काम कर रहे हैं, तो इनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। लेकिन इस सारी कवायद में से बैंक कर्मी गायब हैं।
किसी अखबार या टीवी चैनल पर उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अगर आज की तारीख में किसी को डॉक्टर्स के बाद सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में रहना पड़ रहा है तो वह बैंक कर्मी ही है। वहीं जिला प्रशासन ने भी कह दिया कि बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं होने पर बैंक कर्मी ही जिम्मेदार होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब लाइन लगवाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने का काम भी बैंक कर्मियों को ही करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बड़ी मीडिया हाउस, प्रशासन, नेतागण, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मी जैसे कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ बैंकर्स के बारे में भी कुछ अच्छा कहते, उनकी हौसला अफजाई करते तो शायद बेहतर होता। आइए हम बैंकर्स के अनुभवों को उन्हीं की जुबानी आपसे साझा करते हैं। बताइए कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करके आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? पूरे लॉकडाउन के दरमियान आप लोगों ने ग्राहकों के बीच अपनी सेवा दी है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर गर्व महसूस हो रहा है। पहली बार हम लोगों को देश सेवा, ऐसे तो हम अपना काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम अपना काम करते हैं, बट इस गंभीर परिस्थिति में जिस समय देश संकट के दौर पर से गुजर रहा है, उस वक्त हम लोग घर में न बैठ के देश की सेवा में लगे हुए हैं, बल्कि आम दिनों से ज़्यादा सेवा की हमने, चूँकि इस बीच में प्रधानमंत्री का कई प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का पैसा, बच्चों के मध्याह्न भोजन का पैसा उनके खाता में भेज दिया गया और गरीब वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान तो होता है, तो आम दिनों से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई और हमारे साथ ये चुनौती थी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था और काफ़ी गरीब लोग थे, काफ़ी वृद्ध लोग थे, तो हम लोगों ने सामियाना लगा के लोगों का बचाव करते हुए, पानी की व्यवस्था करते हुए, आम दिनों से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं देते हुए काम करते रहे और निश्चित तौर पर हम लोग को मैंने गर्व महसूस होता है। काफ़ी इस चीज़ को लोगों ने रिकॉग्नाइज, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन तो नहीं मिला, लेकिन हमारे परिवार वालों ने, हमारे मित्रों ने और अन्य लोगों ने काफ़ी हम लोग का उत्साहवर्धन किया और हमारे सारे स्टाफ ने पूरे उत्साह के साथ, वो चाहे वो हमारा सब स्टाफ हो जिसमें शाम को सैनिटाइजेशन का काम करना हो, हमारा जो स्टाफ काउंटर में है उसको सैनिटाइज करके नोट रिसीव करना होता था, ये तो सभी ने अपना काम बखूबी निभाया और बहुत ही तन मन से निभाया, आम दिनों से ज़्यादा काम किया और हमें निश्चित तौर पर गर्व महसूस होता है कि हमने देश के लिए कुछ किया। तो सर, गर्व की तो बात है, लेकिन जैसे कि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, आज भी गिरिडीह में 11 केसेस सामने आए हैं, तो ऐसे में आपको, मतलब आप लोगों को और आपके परिवार वालों को डर तो लगा ही रहता होगा, आप मतलब किस तरह से अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं या फिर यहाँ जा कर के खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं, तो कैसा, मतलब कितना मुश्किल है ये आप लोग के लिए? सभी स्टाफ ने जैसा बताया कि वो घर जाके, जैसे यहाँ तो सभी आपने देखा कि सभी मास्क पहने हुए हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग कर रहे हैं वो ग्लव्स पहने हुए हैं, कुछ लोगों ने फेस शील्ड भी लगा रखा है, निश्चय हर एक गेट में एंट्री पॉइंट पर और वहाँ काउंटर पर लोगों को सैनिटाइज़र का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों के हाथों को और नोट्स को, तो ये यहाँ हम प्रिकॉशन बरत रहे हैं, हालाँकि ये नाकाफ़ी है, इतना से तो जब इतना अभी जबकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और संकट ज़्यादा गहरा गया है, अभी बाहर से लोग आ गए हैं, अभी काफ़ी पुराने लोग आते हैं कि मेरा खाता 2014 में खुला था, 2015 में खुला था, जो बाहर भी चले गए थे कमाने वो लोग आ रहे हैं, उसमें से कौन कोरोना के कैरियर हैं नहीं हैं ये कह पाना मुश्किल है, बट हमें इनके बीच में काम करना है। पहले तो हमें कुछ RBI से ये भी मिला था कि सिर्फ चार ही काम करना था, आपको कैश का लेन देन करना था, चेक्स का लेन देन करना था, चेक कलेक्शन करना था, कोई भी ये पासबुक प्रिंटिंग, आप तो सब करना है, तो ज़्यादा प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, घर जाने पर अवश्य नहाना होता है, हाथ लगातार धोता रहना होता है, और मैं पर्टिकुलर रूप से ये प्रिकॉशन ले रहा हूँ कि मैं हजारीबाग से हूँ, तो जब से ये हुआ है तब से मैं अभी तक जो संडे या वीकडेज में या 15 दिन पर घर चला जाता था, तो अपने घर वालों की सुरक्षा को देखते हुए मैं घर नहीं जा रहा हूँ, ये सोचते हुए कि उनका भी, उन लोग को, वो लोग तो घर में अभी लॉकडाउन में बिल्कुल घर में हैं, लेकिन वो लोग घर में रह के उत्साहवर्धन मेरा करते रह रहे हैं और हमेशा मैं उनसे संपर्क में हूँ, लेकिन सुरक्षा के तौर पर मैं घर अभी नहीं जा रहा हूँ। जी सर, और जैसे कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो लोग कोरोना को लेकर कितने अवेयर है, जैसे कि मतलब ज़्यादातर तो रूरल एरियाज़ के लोग ही रहते हैं, तो ऐसे में मतलब वो लोग क्या सैनिटाइज खुद को करते हैं या फिर मास्क लगा के आते हैं कस्टमर्स आपके पास, या फिर मतलब किस तरह के मतलब कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं? मिले जुले आते हैं,
कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन बरतते हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं जो कि बाहर मुझे बुलाते, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं, अच्छे कस्टमर हैं, वो बाहर फ़ोन करते हैं कि सर मैं बाहर आया हुआ हूँ, इतनी भीड़ है कि अंदर आने में डर लग रहा है, तो जैसा ये सेवा दे देते तो मैं उन्हें बाहर में ही सेवा दे देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों इन लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं कितना भी लाइन लगा देता हूँ, आपने देखा होगा, मैं पहले का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, बट अंदर आने पर बाहर देख पाना मुश्किल होता है चूँकि स्टाफ हमारे पास सीमित हैं, बाहर फिर ये लोग उसी ढंग से ये करते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगाना, हाथ सैनिटाइज़ करने में, कुछ लोगों तो सैनिटाइज़ करने में भी तकलीफ़ होती है कि नहीं करेंगे, चेहरे में मास्क लगाने पर, एक लड़के ने तो एक दिन बवाल खड़ा कर दिया था यहाँ कि नहीं लगाएंगे क्या कीजिएगा आप, तो इस ढंग का होता है, वो फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं, सभी लोग मान रहे हैं, डिस्टेंसिंग की बात लोग समझ रहे हैं इन बातों को। जब एक्चुअल मेरे विचार से एक्चुअल लॉकडाउन जब होना चाहिए था उस वक्त में वो लॉकडाउन ना हो के इसे अभी हटा दिया गया है, और अभी जबकि आप देख ही रहे हैं, आप ही ने कहा कि आज 11 गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव मिले, 2 शहर में मिले, तो अभी खतरा ज़्यादा है, लेकिन सरकार का आदेश है तो हम लोग इस ढंग से काम कर रहे हैं, सरकार ने भी हमें प्रोत्साहन दिया है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया है, और आपको आश्चर्य होगा मैं अपने बैंक के बारे में कहूँ कि जहाँ उस बैंकों ने ये अभी तक ये नोटिस लगा रखा है लॉकडाउन खुलने के बाद भी कि अभी खाता नहीं खुल रहा है, हमारे बैंक में जहाँ कि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख खाता, बचत खाता पूरे झारखंड में खुले थे, इस साल इस 2 महीने में मात्र 1,75,000 खाते, 2.25 लाख खाता खुल चुके हैं, ये एक बड़े अपने आप में उपलब्धि है, और हमारे खाते में, हमारे शाखा में भी अभी तक 175 खाता खुल चुका है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, कहीं भी अभी सेवा देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की जो कैशियर हैं खुशबू कुमारी, उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं कि वो कैसे कोरोना के इस संकट से बच रही हैं। तो खुशबू जी, पहले आप ये बताइए कि आप तो कैशियर हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पासबुक को छूना लगातार और फिर उसे उनको कैश देना, सब कुछ मतलब ट्रांजेक्शन्स करना, तो ये कितना मुश्किल है कोरोना के बीच में, लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हम लोग हर दिन सैकड़ों पासबुक छू रहे हैं, कैश से भी डील कर रहे हैं, काफ़ी रिस्की भी है क्योंकि कैश कहाँ से आ रहा है और लोग भी किस वैराइटीज़ ऑफ लोग हैं, किस प्लेस से आ रहे हैं, किन लोगों के कॉन्टैक्ट से आ रहे हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल है, तो हम लोग डेली इस चीज़ से डील कर रहे हैं और कोई नहीं, अच्छा है इस टफ टाइम में हम लोग भी कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब प्रधानमंत्री जनधन खाते में जब 500 रुपीज़ आते हैं तो उस टाइम जब लोगों की भीड़ होती है, उस भीड़ को हैंडल करना आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, उस टाइम तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि लोग उतने सीरियस भी नहीं है और ना ही उतने अवेयर है, वो लोग अभी भी ऐसे कि बिना मास्क लगाए आते, इवन अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ जाते, तो काफ़ी रिस्की है, तो हम लोग को इवन पेमेंट भी करना है, सारे लोग मिलके ब्रांच के बाहर हम लोग लाइन भी लगवा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है ये चीज़। लॉकडाउन के टाइम में मैक्सिमम लोग घर पे थे, तो ऐसे ये एक जरिया बन गया था कि लोगों के बाहर निकलने का, क्योंकि एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक कस्टमर आई थी, वो रेगुलर बेसिस पे कैश विड्रॉ करने आ रही थी, तो हमने पूछा कि आप डेली बेसिस पे क्यों आ रहे, तो उन्होंने बोला कि कल भी आए थे, तो फिर एक जरिया भी है बाहर निकलने का उनके लिए, तो उन लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं, केसेस इतने बढ़ रहे फिर भी उन लोगों में सीरियसनेस बहुत कम ही नज़र आ रहा है। वॉरियर्स के रूप में काम करके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा जॉब का टाइमिंग 2 साल ही हुआ है, 2 साल में इस तरह से लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करना, लोगों को अवेयर करना इस बारे में कि वो अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचे, हमारे बारे में भी सोचे, ताकि बैंक का काम भी आसानी से हो सके, वो लोग की लाइफ भी आराम से कट सके, तो आई फील गुड। लॉकडाउन के 4 फेजेस के बाद अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर इस लॉकडाउन के दरमियान एक और जहां लोग कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे, वहीं तमाम बैंकों के कर्मी कोरोना से लड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन बखूबी कर रहे थे और निर्भीक होकर लोगों के बीच अपनी सेवा दे रहे थे। कहा भी जाता है कि सिर्फ सरहद पर जंग लड़ने वाले योद्धा नहीं होते, किसी छिपे हुए खतरे के बीच लोगों की सेवा में तत्पर रहना भी एक तरह का युद्ध है, और ऐसे ही युद्ध के नायक हैं गिरिडीह के बैंकर्स।
इस कोरोना काल के बाद इनके योगदान को भूला नहीं जा सकेगा। सहयोगी नवाज के साथ निशा बंडवाल, सिटी न्यूज, गिरिडीह। अन्य राज्यों में फंसे गिरिडीह जिले के प्रवासी मजदूर लगातार वापस लौट रहे हैं। सभी की स्वास्थ्य जांच सदर अस्पताल गिरिडीह में कराई जा रही है। सोमवार को भी काफी संख्या में प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच सदर अस्पताल में कराई गई, वहीं इनका स्वाब सैंपल भी लिया गया। अब तक हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी हो चुकी है और लगातार मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। सोमवार को भी सदर अस्पताल में भारी संख्या में मजदूरों का मेडिकल चेकअप करवाया गया। बताया गया कि तमाम मजदूरों के सामान्य जांच के अलावे उनका स्वैब सैंपल भी लिया जा रहा है ताकि जांच के लिए उसे धनबाद भेजा जा सके। लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के यहां मिलने से इस जांच प्रक्रिया को गंभीरता से संचालित करवाया जा रहा है। इस बाबत डीएस ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाते हुए यहां जांच प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आदमी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, बाहर से श्रमिक लोग लौट रहे हैं, कुछ रेड जोन से जगह से आ रहे हैं, जिसके चलते गिरिडीह में आज बल्क में निकल गया है पॉजिटिव केस। इसमें सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। पहले से एक था आइसोलेशन सेंटर में, अभी 11 हो गया, टोटल 12 हो गया। ये उन लोग आने वाले क्या इलाज करवाते हैं या घर चले जाते हैं? वो लोग आते हैं, जांच करवाते हैं और सबको तो हॉस्पिटल में रखना संभव नहीं है। जो दिशा निर्देश है सरकार के, उसके हिसाब से उनको सलाह देते हुए होम क्वारंटाइन के लिए बोला जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेन बात है मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, इसके चलते परेशानी बढ़ रही है। सदर विधायक की उपस्थिति में सोमवार को नगर निगम के सभागार में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान साफ सफाई और अतिक्रमण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कई जरूरी निर्णय लिए गए। नगर निगम के सभागार में सोमवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित समेत अन्य कई अधिकारी व वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर की साफ सफाई और अतिक्रमण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान तमाम वार्डों में दिए गए दो दो सफाई कर्मियों में से एक एक सफाई कर्मी को वापस लेने का फैसला लिया गया। बताया गया कि शहर के कुछ कॉमर्शियल इलाकों में गंदगी का अंबार रहता है, जहां रात के वक्त सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर वार्डों में दिए गए सफाई कर्मियों की कटौती की जा रही है। इस बाबत विधायक ने कहा कि वार्ड पार्षदों से सहमति लेकर सफाई कर्मियों को वापस लिया गया है ताकि सफाई अभियान को नाइट शिफ्ट में गति दी जा सके। प्रस्ताव नगर निगम की नई प्रशासक ने दिया है, जिसका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन ये मैन पावर की कमी से जूझ रहे वार्ड पार्षदों को दो दो सफाई कर्मचारी निगम को देना थोड़ा कठिन था, क्योंकि इनके वार्ड की सफाई प्रभावित हो जाती तो आपस में तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय हुआ। उस व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए वार्ड की भी सफाई चले, नाइट स्लीपिंग भी चले और कमर्शियल प्लेसेस में रात में सफाई करके शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, इसकी व्यवस्था के लिए एक एक सफाई कर्मी निगम के पास प्रतिनियुक्त होंगे। आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में हमारे एसडीओ मैम का ये उम्मीद है कि वो शहर को बेहतर और स्वच्छ बना लेंगे। तो वार्ड पार्षदों का भी यह कहना था कि अगर ऐसा रहता है तो उनका भी योगदान रहेगा। इसी बिंदु पर आपस में सहमति बनाकर शहर को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक सामूहिक प्रयास का निर्णय लिया। मतलब दो की जगह एक ही लेबर रहेगा वार्ड में? हाँ, और वो एक लेबर फिलहाल नगर निगम के साथ में उसके निर्देश पर जो मार्केटिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर नाइट शिफ्टिंग रात्रि के समय में साफ सफाई के कामों में लगेगा। जैसे आप इसको इस तरीके समझें कि मकरपुर या गति मोहल्ला का इलाका जहाँ पर दिन के समय में व्यापारिक गतिविधियाँ चरम पर होती हैं, वहाँ साफ सफाई करना संभव नहीं है, लेकिन अगर उन इलाकों को रात में साफ कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपका नगर स्वच्छ दिखेगा। तो ये एक नया प्रयोग है शहर के लिए। हम लोगों को एक बार दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं।
इधर नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि शहर के दो स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां फुटपाथी दुकानदारों को स्थान दिया जाएगा ताकि मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया जा सके और इनका रोजगार भी चलता रहे। एक इंक्रोचमेंट का टास्क फोर्स बना हुआ है, तो मेन हम लोगों का टारगेट अभी यही है। एक्चुअली बगोदर बीटा से ना एम्बुलेंस आती है सदर हॉस्पिटल, तो ये मेरा प्रोफेशनल जब मैं थी तब का ही अनुभव है। मैं मोबाइल गली में एम्बुलेंस को सस्ते में देखती, तो वो था कि एटलीस्ट वो मोबाइल गली से हमारी एम्बुलेंस बहुत स्मूथली सदर हॉस्पिटल तक पहुँचे। पर हमने वैकल्पिक व्यवस्था दिया, उनके लाइवलीहुड हमारे दिमाग में है और उस वो जो हमारा व्यवस्था है कि मगधपुर और कुटी बाजार में उनको हम शिफ्ट करें, और दूसरा जो व्यवस्था है हमारा वो 3 महीने के बाद कंप्लीट होगा। अगर सब कुछ सही से रहा तो हमारा 2 वेंडिंग जोन बन रहा है, एक हमारा यहाँ पे ही सर्किट हाउस के पास बन रहा है और एक उधर मगधपुर के साइड बन रहा है। तो काम चालू हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग सारे स्ट्रीट पथ विक्रेता को वहाँ पे ले जाने की हमारी कोशिश होगी ताकि उनका लाइवलीहुड भी ना रहे और हमारा सफर भी लोगों का आसान रहे। नगर निगम द्वारा एक एक सफाई कर्मी को वापस लिए जाने के फैसले से कई वार्ड पार्षद नगर आयुक्त से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि एक सफाई कर्मी रहने से निश्चित रूप से वार्डों में साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो सकेगी। नगर निगम के कई वार्ड पार्षद नगर आयुक्त के फरमान से नाराज हैं। कुछ वार्ड पार्षदों का कहना है कि एक तो पहले से ही वार्डों में साफ सफाई प्रभावित हो रही थी, ऊपर से एक एक सफाई कर्मियों को अगर वापस ले लिया जाएगा तो सफाई व्यवस्था वार्डों में चरमरा जाएगी। बताया गया कि पहले एक सफाई कर्मी ठेले को खींचता था, वहीं दूसरा सफाई कर्मी साफ सफाई कर कचरे को ठेले में डालता था। अब एक सफाई कर्मी रहने से निश्चित रूप से वार्डों में साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। सरिता जी, आज बैठक था, इसमें जो बैठक में निर्णय हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, हम इसमें सहमत नहीं, क्योंकि हमारा वार्ड में 2 लेबर रहता था तो हम छोटा छोटा नाली गली को साफ कराते थे। अब वहाँ पर न ठेला जाएगा न ट्रैक्टर जाएगा, वो हम 2 कर्मचारी से हम गली को साफा कराते थे मोहल्ला में। अब उसमें से 1 लेबर ले लिया, अब 1 लेबर क्या करेगा, ठेला चलाएगा या नाली साफा करेगा? 2 मजदूर में तो होवे ना करता था काम, अब 1 मजदूर में ठेला चलाएगा और नाली साफा करेगा, इससे हम सहमत नहीं। तो निर्णय हो चुकी है, वो आपस मजदूर को ले लिया गया, अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम फिर हम लोग न होगा तो फिर हम लोग बैठक में फिर अपना पास कराएंगे। जैसे पहले हम लोग का ये समस्या था कि यहाँ पर आते थे और दिन भर का चक्कर लगाते थे तो हम लोग को मजदूर मिलता था। अब हम लोग क्या किए कि निगम यहाँ मेयर साहब था, चेयरमैन था, तो उससे हम लोग पास कराए थे 2 लेबर 1 ठेला, और उससे हम लोग के बहुत सुविधा होता था। अब यहाँ पर मैडम आकर के 1 लेबर ले लिया, बोलता है कि हम शहर को सफाई कराएंगे। यहाँ शहर तो साफ हो जाएगा लेकिन जो मोहल्ला है, जो गली नली है, वो कैसे साफ होगा? उससे जो संतुष्ट नहीं, 1 लेबर से ना 1 ठेला, और 1 लेबर रहता तो ठेला ठेलेगा कैसे, कचरा फिर उठाएगा कैसे, ये बहुत दिक्कत होगा। 1 लेबर से हम जब बोर्ड मीटिंग में वो 2 लेबर मांगे थे, तो 1 लेबर और करिए, इसमें हम सब इस बात का सहमत नहीं है सर। फिर बैठक में उठाए थे ये मामला, आप उठाए थे कि बोर्ड मीटिंग में हम सब 2 लेबर और मांगे थे, लेकिन 1 लेबर घटिया। नहीं, आज की बैठक में आपने आपत्ति जताया इस बात को लेकर? हाँ, ये बात को बताए थे कि बोर्ड मीटिंग में बैठक हुआ था तो 2 लेबर और मांगने जगह 1 लेबर, अभी जस्ट ये बात को उठाएंगे। तो बोला कि 10 दिन के अंदर अगर साफ सुथरा नहीं होता है तो इस पर फिर से जिस तरह था उस तरह किया जाएगा। जमीन संबंधित मामलों को लेकर बेंगाबाद के कर्माटाड़ में लंबे वक्त से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। घटना में प्रकाश यादव को तीर मारकर घायल कर दिया गया, जिसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। बेंगाबाद के कर्माटाड़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। घटना में प्रकाश यादव और दिगंबर यादव के पक्षों के बीच मारपीट हुई, इसमें प्रकाश यादव को तीर मारकर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि जमीन संबंधित मामलों को लेकर लंबे वक्त से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चल रहा था। रविवार को भी इसी मुद्दे पर झगड़ा शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। घटना में प्रकाश यादव के पेट में तीर लगा था, जिसे सोमवार को धनबाद रेफर कर दिया गया है। ये कोई पराली की टक्कर नहीं था, वो मार
क्या चीज कर जमीन विवादी लेके हम बिलचा से मार दिया ना तो इससे निशाना ले लिया हम लोग घर में सोई हो गई थी वो लगा जब आया तब दीवार तोड़ने लगा उसी बीच में लोग रोते भाग आए तब तक वो निशाना बना दिया कौन कौन मारा है अपन नाम है रामदेव यादव मुन्ना यादव विश्वनाथ यादव दिगंबर यादव प्रकाश यादव युगन यादव आपका क्या नाम है मेरा नाम प्रकाश यादव एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत जमुआ में तालाब में डूबने की वजह से हो गई। घटना के बाद बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। इधर घटना से मृत बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची हंसनी कुमारी की मौत तालाब में डूबने से हो गई। घटना के बाद बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया। बताया गया कि नहाने के क्रम में महेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा की पुत्री तालाब में डूब गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्ची के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। महेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा वो कौन लगती थी? बच्ची हमारी छोटी पुत्री थी। क्या नाम था? हंसनी कुमारी। कितना उम्र होगा उसका? 8 लगभग 8-9 साल। क्या हुआ था? वो तालाब गए थे नहाने के लिए सर, लगभग 10:30 बजे, तो वहीं वो फिसल के और गड्ढे में चली गई। उनका वहीं देहांत हो गया। हल्ला गुल्ला करने के बाद हम लोग दौड़े हुए गए, तब तक जो है सो गाँव वाला उठा करके वो बाहर किया। हम लोग उसको प्रेशर करके पानी वानी कहीं पेट में नहीं तो दबा कुछ नहीं सर, तब वही खत्म हो गई। वही नाला वाला देखे जे करके खत्म। दौड़ के हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले नहीं अभी नहीं। इस बात के लिए थाना में आवेदन दिया है? हाँ सर। क्या तालाब नया बना हुआ था क्या? नहीं सर, तालाब बहुत पुराना है, पर गड्ढा स्पेशल जो अगर हुआ है ना उसका मिट्टी निकाला गया था अभी। हाँ सर, तो उसकी वजह जहाँ तहाँ जैसे तैसे मतलब गड्ढा, तो उसमें वो चुक चुक गए नहाने में। कौन सा गांव का मामला है? ये धुरगढ़ी गांव का मामला है। कौन थाना पड़ता? जमुआ थाना पड़ता। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पर्चे के माध्यम से सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास गुजर रहे राहगीरों व वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। पर्चे में लिखा है कि मास्क न पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व इसके रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन लोगों को पर्चा के माध्यम से जागरूक करने में जुटी है। जिला प्रशासन की ओर से जारी पर्चे को सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास स्थित मुफस्सिल थाने की सहायता केंद्र में तैनात पुलिस अधिकारी व जवान वहां से गुजर रहे हर राहगीर व वाहन चालकों को देकर जागरूकता लाने के प्रति भेंट करने में जुटे हैं। पर्चे में कहा है कि मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है, इसका पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व भादवी की धारा 269, 270 व 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में घरों से बाहर निकलने से पहले मास्क पहने, तभी आवश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलने व शारीरिक दूरी का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया, ताकि इस वैश्विक महामारी से देश की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक ही दिन में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से गिरिडीह में मचा हड़कंप। सदर प्रखंड में 4, बेंगाबाद में 4, डुमरी में 2 और गांवा में मिले 1 मरीज। तमाम प्रभावित गाँव को किया गया सील। संक्रमितों को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। सदर विधायक के नेतृत्व में नगर निगम के सभागार में हुई बैठक। तमाम वार्डों में काम कर रहे 2-2 सफाई कर्मियों में से एक एक को वापस बुलाने का लिया गया फैसला। वार्ड पार्षदों ने जताई आपत्ति। पुलिस के सहयोग से नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुख्य मार्ग से खदेड़े गए फुटपाथी दुकानदार। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कईयों का काटा गया चालान।
और न कोई तमगा, न कोई प्रमाण पत्र और न ही शाबासी, फिर भी पूरे कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है बैंक कर्मी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज बुलेटिन। अब हम आपसे विदा चाहेंगे, कल फिर होगी मुलाकात एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।